अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर, और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। तो क्लास 8 के स्टूडेंट्स को ये बात याद होगी कि हमारा थर्ड चैप्टर कंटिन्यू है और आज हमारा फोर्थ लेक्चर है थर्ड चैप्टर का, और ये जो है हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। आज हम अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि हमारा टॉपिक जो कंटिन्यू चल रहा है हमारे दो तीन लेक्चर से, वो है रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जो स्टडी हम कर रहे हैं इस ब्रांच की, एक नई साइंस की, इसका नाम बायोटेक्नोलॉजी है। तो जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हम किस तरह से जानदारों को, दूसरे जानदारों को इस्तेमाल करते हुए, नई नई टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इंसानों के लिए कारामद अशियाँ बनाएं या उनके जो मसाइल हैं उनका हल तलाश करें। सही, तो इसके लिए हमने ये बात की थी कि ये जो साइंस है ये डिफरेंट शोबों में काम कर रही है। हमने डिस्कस किया था कि फ़ूड इंडस्ट्री जो है हमारी, या जो हमारा ग़िज़ा जो है वो भले प्लांट से हो या किसी एनिमल से हो, वो वहाँ पे किस तरह इसको यूज़ किया जाता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस किस तरह किया जाता है, और कहाँ कहाँ किसकी फर्मेंटेशन करने से कौन सी प्रोडक्ट हमें मिलती है। सही, फिर हमने बात की थी कि जो है मेडिसिंस की, हमने बात की थी कि हमारी जो आज जो वैक्सीन्स जो होती हैं या जो एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं, वो मोस्टली इसी साइंस की जो है वो ईजाद है कि हम किसी बीमारी का कंट्रोल हम अब ढूंढ सकते हैं या किसी भी बीमारी का इलाज अब हमारे पास मौजूद है, बआसानी हम जो है बड़ी से बड़ी बीमारी का अब इलाज जो है वो कर सकते हैं, जिनका इलाज पहले नहीं था अब उनकी जो है ट्रीटमेंट मौजूद है, और अगर किसी की ट्रीटमेंट नहीं भी है तो उसके लिए फिर उसका जो है वो वैक्सीन जो है बना ली जाती है। तो ये भी जो है वो इसी साइंस की जो है वो एक इजाद है कि किस तरह वैक्सीन को यूज़ किया जा रहा है और किस तरह एंटीबायोटिक्स और दूसरी दवाइयों को यूज़ किया जा रहा है। फिर हमने बात की थी हमारे पास एग्रीकल्चर की, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो एक ज़रई मुल्क है और हमारी जो इकनॉमी है वो ज़रात पर डिपेंड करती है, तो हमें ज़रूरी है कि हम अपनी ज़रात को बेहतर बनाएँ, जो किसान हैं उनके मसाइल को हल करें और जो है वो उनके लिए चीज़ें लेकर आएँ। तो ये साइंस आप भी बहुत काम करती है, तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए या क्रॉस पॉलिनेशन के ज़रिए, ग्राफ्टिंग के ज़रिए हम जो है वो बेहतर फसलें अब लगा सकते हैं, लगा रहे हैं, और बेहतर फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हैं हमें वहाँ पे जो फसलें हैं उनमें हमें चीज़ें बेहतर मिल रही हैं, या सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए हमने ऐसे एनिमल्स भी बनाना शुरू कर दिए हैं जो हमारी जो है मुताबिक अब उनके अंदर फीचर्स हैं, जैसा करेक्टर, जैसी क्वालिटी हम उनके अंदर चाहते हैं, हम वैसी क्वालिटी उस प्लांट के अंदर या उस एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। किसके ज़रिए? इस साइंस के ज़रिए जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। सही है, आज हम बात करेंगे रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट की बात की जाए, माहौल की बात की जाए, तो सबसे बड़ा हमारा जो आज मसला है हमारे माहौल का, वो है आलूदगी, कि हमारे पास जो है वो फ्रेश एयर नहीं है सांस लेने को, सफाई सुथराई नहीं है हमारे माहौल में, गंदगी बहुत ज़्यादा है, ऐसे केमिकल या मटेरियल बहुत ज़्यादा हैं जो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। सही, तो एनवायरनमेंट में जब ये काम करेगी तो कैसे करेगी? तो एनवायरनमेंट में काम करने के इसके दो पैरामीटर्स होंगे, दो फैक्टर्स होंगे जो मेन एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम की वजह है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो ये हो जाएगा डिस्पोजिबल ऑफ वेस्ट मटेरियल, सही, ये जो साइंस है या इसमें जो हम बात करते हैं माइक्रोऑर्गेनाइज्म की, तो जो माइक्रोऑर्गेनाइज्म होते हैं मोस्टली फंजाई और बैक्टीरिया जो हैं, उन वो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने नशोनुमा के लिए, अपने ग़िज़ा के लिए किसको यूज़ करते हैं? वो यूज़ करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को, यानी वो प्लांट्स या वो एनिमल्स जो मर गए हैं, डेड हो गई है जिनकी बॉडी, वो उनको एज अ फूड जो है वो यूज़ करते हैं और उनकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, उनकी बॉडी को तोड़ फोड़ कर कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? एक सिंपल मटेरियल के अंदर जो इतना ख़तरनाक ना हो। या सिर्फ इन डैट की बात नहीं है, ये जो ऑर्गेनाइज़म होते हैं माइक्रो ऑर्गेनाइज़म, ये हर केमिकल मटेरियल को एनवायरनमेंट में जो वेस्ट मटेरियल है, जो नुकसानदेह है, उसको डिकम्पोज करके ऐसे मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे जो सिंपल हो और इतना कोई ज़्यादा ख़तरनाक या नुकसानदेह ना हो इंसानों के लिए। तो ये जो है एक साफ़ सफाई करने का काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट में। सही, माहौल को जो साफ़ करने का काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? यही माइक्रो ऑर्गेनाइज़म करेंगे, जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको ये डिकम्पोज कर देते हैं। अगर ये डिकम्पोज नहीं करेंगे तो वो वेस्ट मटेरियल वैसे ही रह जाएगा और ज़्यादा नुकसानदेह होगा वहाँ रहने वाले इंसानों के लिए या और जानदारों के लिए। सही, तो ये फंजाई या बैक्टीरिया हैं, ये डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, डिकम्पोज करते हैं इन वेस्ट मटेरियल को, और उसके बाद जो है
ये उसको जो है वो एक बेहतर और आसान या सिंपल केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। इस कन्वर्जन से क्या होता है कि वो जो एक नुकसान था उस वेस्ट मटेरियल का वो उतना ज़्यादा अब नहीं होगा, बल्कि ख़त्म हो जाएगा। तो पहला काम तो ये कि डिकम्पोजिशन करते हैं वेस्ट मटेरियल की, सही। दूसरा इनका जो है मेन जो काम कर रही है ये साइंस इन्वायरमेंट के लिए, वो ये है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे जो वसाइल हैं, ज़मीन से जो तेल निकल रहा है या आपके पास ज़मीन से जो गैस निकल रही है, सही, ये जो हमारे वसाइल जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका इस्तेमाल हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वक्त के साथ साथ हमारी जो कंजम्पशन है नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कि जो है अगर ऐसा होगा तो ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्तों में ये वसाइल ख़त्म ही हो जाएँ, कि आने वाले वक्तों में फिर वो पेट्रोल है या जो डीज़ल है या जो हमारे पास फ्यूल्स वगैरह हैं, हमारे घरों में जो गैस आती है वो अल्लाह ना करे ख़त्म ही हो जाए। आजकल गैस की भी लोड शेडिंग होती है, सही, इलाकों के अंदर दो दो घंटे या कुछ वक्त के लिए घरों में गैस नहीं आती। रीज़न लोड शेडिंग का क्या वजह होती है कि अगर एक चीज़ जो है वो बंद कम रही है और जो उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है तो उसको फिर थोड़े रोका जाता है उसका इस्तेमाल कुछ देर के लिए, ताकि वो पूरी हो जाए, कम ना पड़े, सही। तो इस तरह गैसेस की लोड शेडिंग हो रही है, पेट्रोल नहीं मिलता अक्सर, सीएनजी बंद रहती है हफ्ते हफ्ते, तो ये सब क्यों हो रहा है? उसकी वजह ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो कम हैं और जो कम पड़ते जा रहे हैं, और हमारे पास जो इस्तेमाल है उनका वो बहुत ज़्यादा हो गया है। जब इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है तो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से जब गैस गाड़ी चलेगी तो उसके अंदर से जो धुआं है उसके अंदर बेशुमार जो है वो मुज़र सेहत केमिकल्स होते हैं, वहाँ लेड है, वहाँ सल्फ़र है, जो धुआं होता है गाड़ियों का जो निकलता है इन बायोफ्यू इन फ्यूल से या पेट्रोल वगैरह से जो है, तो वो एक एनवायरनमेंट में जा रहा है ना, वो धुआं वो माहौल में जा रहा है, वो हवा में जा रहा है, तो वो हवा में जाकर सांस कौन ले रहा है? ये जानदार इंसान ले रहे हैं, तो वो उनको जो है नुकसान पहुँचाता है, सही। तो इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रोड पर बेशुमार गाड़ियाँ हैं, हर घर के अंदर जो है वो दो से चार गाड़ियाँ होती हैं, जब इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है तो उस पर जो है जब इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है तो उसका जो वो हैज़र्डस जो केमिकल्स हैं उनका रिलीज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, सही। जो नुकसानदेह केमिकल्स हैं इस जो बनते हैं पेट्रोल या डीजल वगैरह से, उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो एयर क्या हो रही है, इन्वायरमेंट क्या हो रही है, अब ख़राब हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, सही है। तो उसको कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है, तो उसके लिए हमारे पास इस साइंस ने जो है वो बायोफ्यूल्स को जो है वो लॉन्च किया है, बायोफ्यूल्स को लेकर आया। बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, जिस तरह ये एक अल्टरनेटिव है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का, ये वही काम करेंगे जो हमारे नेचुरल रिसोर्स करते हैं, लेकिन ये आपके पास इनका नुकसान कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो तेल हम ज़मीन से निकालते हैं, पेट्रोल जिससे बनता है, डीजल जिससे बनता है, हम अगर चाहें अब तो हम प्लांट को यूज़ करते हुए, प्लांट ऑयल को यूज़ करते हुए यही बायोफ्यूल डीजल बना सकते हैं, सही। तो अब हमारे पास क्या होगा कि जो है ज़मीन से जो तेल निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, वो बच जाएगा, और जो हम प्लांट से बनाएंगे या वेस्ट जो ऑयल है उससे भी बना सकते हैं, तो उनको भी जब यूज़ किया जाएगा। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर हम बायोफ्यूल को यूज़ करेंगे, लफ्ज़ बायोफ्यूल, बायोफ्यूल का मतलब ही है ये ऐसा फ्यूल जिसका ताल्लुक लाइफ से हो, और जो प्लांट से बना रहे हैं हम ये फ्यूल, ये डीजल या पेट्रोल जो है ये प्लांट से बनाया जाता है, सही है। तो किसी भी प्लांट से जो है, यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल से या किसी भी नॉर्मल ऑयल से हम बना सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा जो है वो ऑयल कितना प्रोड्यूस करेगा, सही। तो वो जो बायोफ्यूल बन जाता है उसका फ़ायदा ये है कि ये बायोफ्यूल जलने पर गाड़ियों के अंदर कोई हार्मफुल केमिकल रिलीज़ नहीं करता, जिस तरह जो पेट्रोल और डीजल हैं ये जब जलते हैं तो ये लेड रिलीज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप की गैसेस रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो बायोफ्यूल है वो कोई ऐसा हाइड्रोजन केमिकल रिलीज़ नहीं करता इसका जो एनवायरनमेंट में बहुत जो है नुकसान हो या किसी दूसरे जानदार को बहुत नुकसान हो, सही है। तो बायोफ्यूल जो है वो एक मतबादिल है हमारे डीजल का या पेट्रोल का, जो एक नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचा लेगा हमारे, और इसके अलावा जो है वो नुकसान भी जो है वो हवा में या एनवायरनमेंट में कम पहुंचाएगा। इसके अलावा हमारे पास बायोगैस है। बायोगैस कैसे बनती है? बायोगैस सिंपल बनती है, हमने इस समय पढ़ा था प्रोसेस फर्मेंटेशन का, तो हमने ये देखा था कि जब हम डिफरेंट चीज़ की फर्मेंटेशन कर रहे हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट आती थी। अगर दूध की जाए तो दही बन जाता था, आटे की कहें तो खमीरी आटा या रोटी वाला फूला हुआ आटा बन जाता था, सही है। आपके पास अगर किसी फ्रूट वगैरह ही करें दो बार तो सिरका बन जाता था। तो ये जो फर्मेंटेशन है, अगर ये फर्मेंटेशन जो है वो खाद की जाए, जो नेचुरल खाद यूज़ की जाती है प्लांट के लिए, जो आपके पास नेचुरल वेस्ट है किसी भी एनिमल का, सही है, अगर उसकी की जाए तो वो फिर वहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगी, वहाँ पर हमें एक गैस मिलेगी जो मीथेन गैस होती है, सही है। अगर हम नेचुरल जो हमारी जो वेस्ट मटेरियल होता है एनिमल्स का, अगर उसकी फर्मेंटेशन की जाए तो वहाँ पे प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, वहाँ पे हमें मीथेन गैस मिलती है। वो मीथेन गैस जो हमारे घरों के अंदर आती है चूल्हे में, जैसे हम आग जलाते, सही है, तो वो गैस हम ऐसे ही बना सकते हैं,
तो हम अगर चाहें तो इस मटेरियल को यूज़ करें और इससे मीथेन गैस प्रोड्यूस करें बजाय इसके जो ज़मीन से निकल रही है। ज़मीन से जो निकल रही है वो नेचुरल रिसोर्स कम भी पड़ सकती है, ख़त्म भी हो सकती है, सही है। तो हमें चाहिए कि हम उस पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बल्कि हम जो है ख़ुद से अगर बना सकते हैं, हमारे पास तरीका भी है बनाने का, तो हम इस नेचुरल वेस्ट को यूज़ करते हुए एनिमल्स के मीथेन गैस को प्रोड्यूस करें और उसका जो है वो इस्तेमाल करें, सही है। तो ये आपके पास जो बायोटेक्नोलॉजी है ये बहुत सारे अल्टरनेटिव लेकर आ रही है इन्वायरमेंट के लिए, सही है, इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए, जिसका काम ही यही है। इस साइंस में पढ़ा ही यही जाता है कि किस तरह हम कारामद अशियाँ बनाएं और किस तरह से हम अपने मसाइल को हल करें। एक बहुत बड़ा मसला है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज कम पड़ते जा रहे हैं, किल्लत होती जा रही है पेट्रोल की, डीजल की और जो है वो नेचुरल गैस की, तो उसको किस तरह कवर करना है। तो इस तरह कवर कर सकते हैं कि हम जो है वो उनका अल्टरनेटिव ढूंढ लें और वही चीज़ जो हमें प्रोडक्ट हमें वही मिल रही है ना, तो बात तो वही है कि वो ज़मीन से निकालें या फिर इस तरह खुद से बना के इस्तेमाल करें, काम तो हो जाएगा और फिर उसका नुकसान भी कम है, सही है। इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा कोई उसका कोई नुकसान नहीं होगा अगर हम बायोफ्यूल या बायोगैस को जो है वो इस्तेमाल करेंगे, सही है। आपकी बुक में पूरी जो है वो एक एक्टिविटी जो है वो मौजूद है या पूरा एक चार्ट मौजूद है जिसमें दिखाया जा रहा है किस तरह से जो है वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर या किस तरह एक प्लांट है जो इसके अंदर जो है वो ये पूरा प्रोसेस होता है और किस तरह से एक जो है बायोफ्यूल को बनाया जाता है, सही है। वैसे मैं बता देता हूँ कि प्लांट ऑयल को यूज़ करते हुए, किसी भी प्लांट ऑयल को यूज़ करते हुए उस प्लांट ऑयल को कन्वर्ट करते हैं किस में, बायोफ्यूल या बायोडीजल के अंदर, सही। तो ये तो हमारे पास एक तो ये हो गया कि डिस्पोजिबल करते हैं, सही, और दूसरा ये है हमारे पास कि ये अल्टरनेटिव लेकर आते हैं किसका, नेचुरल रिसोर्सेस का। सही, ये क्या लेकर आ रहे हैं, अल्टरनेटिव लेकर आए नेचुरल रिसोर्सेज का। तो इससे क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट को काफ़ी फ़ायदा है। अब हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, वो इतना ज़्यादा अगर हम ये यूज़ करें इतना ज़्यादा जो है वो ख़राब नहीं होगा, आलूदगी नहीं इतनी होगी और जीने के लिए, सांस लेने के लिए एक फ्रेश एयर भी मिल जाएगी, सही। तो ये तो हमारा जो जो टॉपिक था आज का, रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द एनवायरनमेंट, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया। ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। जिस तरह हम हर चैप्टर के लास्ट में बात करते हैं कैरियर इन साइंस की, जो उस चैप्टर से मुताबिक होता है कि इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा उसमें जो है वो क्या बन सकता है, एक क्या पेशा हम अपना सकते हैं। तो हम फिलहाल हमने इस चैप्टर में हमने बात करी एक नई साइंस की जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, सही। तो यहाँ पे जो है कैरियर साइंस से हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो है एक ऐसे डॉक्टर की जो इस फील्ड में काम कर रही हैं, जिनका नाम है बुशरा सादिया, सही। बुशरा सादिया जो हैं वो PhD इन्होंने किया है किसके अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। और वो क्या काम करती हैं कि वो जो है मुख्तलिफ प्लांट्स के जीन्स को, उनके करेक्टर्स को स्टडी करती हैं और फिर उन करेक्टर्स के, उन जीन्स की रद्द बदल करके नए फीचर्स जो है वो उन प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करवाती हैं, सही। तो बेसिकली वही काम जो हम, जिसका हमें नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम दिया था कि जिसमें हम जीन्स को स्टडी करें और जीन्स में जो है रद्द बदल करके यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करके नए फीचर्स को स्टडी करें कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या बनेगा, सही, आने वाले यंग वन में क्या चेंज प्रोड्यूस होगा। तो जो डॉक्टर बुशरा सादिया हैं वो यही काम कर रही हैं, इन्होंने फैसलाबाद से PhD किया है और ये अब रिसर्च एसोसिएट हैं वहीं फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर। और इनका काम ये है कि ये प्लांट्स के मुख्तलिफ फीचर्स को जो है वो स्टडी करती हैं और अपने मुताबिक या नीट के मुताबिक देख चेक करती हैं कि उस प्लांट में कौन से करेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने हैं और कौन से नहीं करवाने। तो ये इस विषय में काम कर रही हैं। तो जो है इस तरह से जो इस फील्ड को अपनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी को, तो उनका काम यही होता है बेसिकली कि वो ज़्यादातर रिसर्च करते हैं और रिसर्च कर करके वो चेक करते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या चेंज आएगा या इस तरह से कोई चीज़ की जाए तो क्या चेंज आएगा, सही। जहाँ हमारे पास ये जो साइंस है बायोटेक्नोलॉजी इतनी सारी आसानियाँ लेकर आई है इंसानों के लिए, इतनी सारी कारामद अशियाँ बना ली हैं, मसाइल का इतना जो है वो हल हमें मिल गया है हमारे इतने सारे मसाइल का, लेकिन यहाँ वहीं पर ये जो ब्रांच है या जो साइंस है बायोटेक्नोलॉजी, ये बहुत सारे सवाल भी लेकर आती है, बहुत सारे सवाल भी हैं जिनका जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है, सही। पहला सवाल तो हमारे पास यही आता है कि ये जो फूड आइटम हमें मिल रहे हैं इस ब्रांच के ज़रिए, साइंस के ज़रिए, ब्रांच बोल रहा हूँ मैं, इस साइंस की ब्रांच के ज़रिए, इस साइंस के ज़रिए जो हमें फूड आइटम मिलते हैं, हमारा खमीरी आटा हो गया या हमारे पास जो सिरका है या हमारे पास जो है वो दही वगैरह हैं जो हम इस तरीके से बना रहे हैं डिफरेंट टाइप के फूड आइटम, क्या वो सेहत के लिए अच्छे हैं, क्या उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल सही है, क्या उनको भी एक रेगुलर फूड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है,
क्योंकि जिस तरह हम रेगुलर बेसिस पर रोटी चावल या जो हमारा जो रेगुलर एक खाना जो गिज़ा है वो बॉडी में लेते हैं, जिसे हम नेचुरल कहते हैं, नेचुरल चीज़ें से जो प्लांट में नेचुरली बन रही है, और जो ये चीज़ें हैं इनको तो बनाया जा रहा है ना डिफरेंट रिएक्शंस करके, डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनाइज्म को यूज़ करके बनाया जा रहा है, नेचुरल तो नहीं है ये, सही है। तो क्या इनका यूज़ जो है वो बॉडी के नुकसान दे तो नहीं है बहुत ज़्यादा, या हमने जो जो ऐसी फसलें हमने लगाना शुरू कर दी, हमने ऐसे प्लांट्स बना लिए हैं जो ज़्यादा मकदार में पैदावार करते हैं, या जिनके पास जो है वो बीमारी से लड़ने के लिए एक मज़ाहमत का निज़ाम मौजूद है कि वो बीमारी से लड़ जाते हैं, क्या वो तो नुकसानदेह नहीं है, सही। या जो हम जो है वो माहौल की अगर बात कर रहे हैं तो हमने जो है वो डिफरेंट टाइप की जो अभी डिस्कस करी, क्या उनका तो कहीं बैड इम्पैक्ट नहीं है, कहीं बायोफ्यूल का, बायोगैस का, हमने अभी से फ़ायदे फ़ायदे की बात करी, हो सकता है उनका भी कोई जो कि काम तो वही वही कर रहे हैं ना, नॉर्मल डीजल कर रहे हैं, नॉर्मल गैस कर रही है, तो क्या उनका तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो ये बात तो लाजमी है कि अगर किसी चीज़ का कहीं कोई फ़ायदा है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी होता है। कोई भी टेक्निक जब लॉन्च की जाती है तो जब उसके फ़ायदे हैं बहुत ज़्यादा तो कुछ ना कुछ उसके नुकसान भी होते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि उस टेक्निक को किस तरह यूज़ किया जा रहा है, सही। ये तमाम फ़ायदे और नुकसान डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, यूज़ के ऊपर, कि अगर आप उसको सही से यूज़ करोगे तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा सोसाइटी में, और अगर नहीं करेंगे सही से यूज़ तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा, सही। ये सब चीज़ें हमारी आसानी के लिए बनाई गई हैं इस साइंस के ज़रिए, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम टोटली इन पे ही डिपेंड कर जाएं, सही। जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं उनको भी जो है यूज़ बहुत ज़रूरी है, उनके भी अपनी एक जगह है एनवायरनमेंट, या उनकी भी एक जगह है हमारी लाइफ में, उनका भी एक यूज़ है, उनका भी एक फ़ायदा है, सही। टोटली इस चीज़ पर, इस साइंस पर, इसकी चीज़ बनाई प्रोडक्ट्स पर डिपेंड कर जाना यकीनन नुकसान का बाइस होगा, सही। कि जो है अगर हमें से बताया था कि अब मार्केट के अंदर सीजनल फ्रूट्स जो है वो ऐसे हो गए कि अब हर सीज़न में मिलते हैं, यानी गाजर जो है वो अपने मौसम के अलावा अब हर साल गाजर मिलती है, ऐसे बहुत सारे जो हैं वो वेजिटेबल फ्रूट्स मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने जो है वो बिल्कुल ही जो है वो वही वाली गाजर खानी है जो हम इस साइंस के ज़रिए बना रहे हैं, नेचुरल गाजर हमने खानी नहीं है। तो जो नेचुरल जो गाजर है उसका अपना एक फ़ायदा है, उसका अपना एक टेस्ट है, उसमें अपनी एक गज़ाइत है, और जो हमने इस खुद से बनाई है इस साइंस का यूज़ करते हुए, यकीनन वो उसकी नीड को तो पूरा कर देगी लेकिन वो उसकी जगह नहीं ले सकती, ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल ही होती है, सही, और कॉपी कॉपी होती है। तो हम इस साइंस को यूज़ करते हुए डिफरेंट चीज़ें की कॉपी बना रहे हैं, कॉपी क्यों बना रहे हैं, ताकि वक्त पड़ने पर उनको इस्तेमाल कर सकें। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम बिल्कुल इस कॉपी पर ही डिपेंड कर जाएं और ओरिजिनल को बिल्कुल साइड पर कर दें, तब हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र आएंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, सही। हमने हर चीज़ें बैलेंस रखना है, सही। हर टेक्निक के अंदर अगर बैलेंस रखा जाएगा तो कोई भी नुकसान नहीं है, और अगर बैलेंस रखा जाएगा तो नुकसान ही नुकसान है, सही। तो जो है आप लास्ट में अपने रीड करिएगा पूरे टॉपिक को, सोचिएगा इस बात को कि हम किस तरह से हम अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो किस तरह से जो फ़ायदेमंद है और किस तरह से नुकसानदेह हैं, और उसका क्या नुकसान हो सकता है अगर उसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाए, सही। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। आपने करना ये है कि इस चैप्टर की आपने एक समरी बना लेनी है, चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है तो एक समरी बना लें, और जो पॉइंट्स आपने पढ़े हैं चैप्टर में, जो न्यू चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको एक जगह कलेक्ट कर लें, ताकि बाद में जब आप रिविजन करें तो आपको पूरा चैप्टर एक जगह मिल जाए, आपको खुलासा मिल जाए पूरे चैप्टर की एक जगह। फिर आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर के लास्ट में, एमसीक्यूज़ हैं ब्लैंक से, तो वो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप जो है वो सॉल्व करें, अगर वो सॉल्व करेंगे तो आपकी अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये चैप्टर हमेशा याद रहेगा, और जो होमवर्क क्लास में आपको दिया जा रहा है वो भी साथ साथ कंप्लीट करें। मिलेंगे आपसे आपके एक लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, आज के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम, और अब बारी है आपके होमवर्क की।